पूरा भारत क्या आ गया तो यहां क्या बचा है बताओ? पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, फिर माइनस इसमें से कॉमन बताओ एक, एक्स, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और बीच में क्या है? बीच में कोष्टक, कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। तो माइनस प्लस का मल्टी करेंगे क्या आएगा? माइनस प्लस का मल्टी माइनस, एक एकम एक बराबर जीरो। जब यहां कुछ नहीं बचेगा तो आपको एक लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे ये समीकरण है 5x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0, 5 एकम 5, गुणा करें तो 5, जोड़ने पे 6, तो 5 एकम 5, 5 ऋण के 5x और ऋण के 1x हो गए ऋण के 6x, 5 एकम 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे 5x एंड 5x कॉमन, तो यहां पे x स्क्वायर था तो 1x हो गया, 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5, या ये मान के चलो कि ये पूरा 5, ये पूरा का पूरा 5 उठ के बाहर आ गया, पूरा का पूरा 5 उठ के बाहर आ गया, तो यहां कुछ नहीं तो एक, एक लिख देंगे वहां पे कि पहले यहां पे कुछ था तो एक लिख दिया, इधर से एक कॉमन ले लिया x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1, या फिर इधर देख लो, इधर अगर माइनस है, देखो ये भी एक तरीका है, ये भी भागवंत का ध्यान देना है बेटा, क्योंकि बोर्ड पे बुला के करवाएंगे ना उस समय, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये लड़की सीधी है ना। तो ये यहां माइनस है ना, देखो यहां माइनस है ना, तो यहां पे भी माइनस लिखना ही पड़ेगा, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस लिखना ही पड़ेगा, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों ब्रेकेट सेम टू सेम, ओके। अब ये दोनों सेम है ना, इसको एक बार लिख दो, अगले ब्रेकेट में ये और ये, ये और ये, ये और ये, 5x - 1 = 0। तो ये मैंने क्या करा, वर्ग समीकरण के क्या निकाले मैंने, ये वर्ग समीकरण के ये क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको सिर्फ यहां तक ही करना है, समझ रहे हो ना, प्रश्न को समझ के आपको सवाल करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये बस हो गया सवाल खत्म, दो गुणनखंड हुए इसके। अगर वो लिख दे कि समीकरण को हल कीजिए, तो हल करने के लिए आपको मूल ज्ञात करना पड़ेंगे, मूल मतलब समझ रहे हो, एक्स के वैल्यू, एक्स के मान निकालने पड़ेंगे, एक्स के जो मान होते हैं उनको मूल कहते हैं, रूट, रूट यानी मूल, ROOT, रूट यानी मूल, है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे, है ना। मूल कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बता देते हैं, यहां से हम दो हिस्से करेंगे, x - 1 = 0, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5x - 1 = 0, यहां से माइनस वन उधर गया तो प्लस का 1, 5x = -1 उधर गया प्लस का 1, x = 1, 5 गुणा में तो बटे में 5, 5 क्या में आगे, बटे में आगे। चलिए तो आपके मूल कौन कौन से हुए, आपके हल कौन कौन से हुए भैया, 1 and 1/5, ये हमारा हल हो गया, 1 और 1/5 हमारे दी गई समीकरण के हल हैं, दी गई समीकरण के मूल हैं, है ना। अब हम जांच करें कि भाई हमारा उत्तर जो आया वो सही है कि गलत है ना, हमारी संतुष्टि। अब हमारी संतुष्टि के लिए हम जांच कर लेते हैं कि हमने जो हल करा है वो हम कहां तक सही कर पाए हैं। चल समीकरण क्या थी आपकी, 5x² - 6x + 1, यही थी ना, बराबर में क्या लाना था आपको, 0 लाना है, बराबर में 0 लाना है। भागवंता बेटा इधर ध्यान दे, है ना, ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा ना,
तो कर्म फूट जाएंगे, समझ लेना कर्म फूट जाएंगे, फूटे कर्म के कहलाएंगे। मैं ये एक्स, एक्स का मान कितना पहले रखे हम, एक्स की जगह कितना रखें, एक्स की जगह कितना रखें, एक रखें, ये एक। एक की घात दो का मान कितना होता है, एक की घात दो कितना होता है, एक की घात दो मतलब एक गुणित एक दो बार, और छह कम छह, चलो जीरो तो अपने को लाना है। तो देखो पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, ठीक है, धन के पांच धन का एक, धन के पांच धन का एक, धन के पांच धन का एक, धन के छह, और ये छह ऋण के ऐसे कैसे, और छह में से छह गए तो क्या बचेंगे, छह में से छह गए तो जीरो आएंगे कि, तो देखो जीरो आ गया कि नहीं आ गया, तो उत्तर की जांच हुई कि नहीं हुई, तो हमारा ये वाला उत्तर तो सही आ गया। अब इसकी जांच करो कि ये सही है कि गलत है, अभी कर लेते हैं। चलो पांच एक्स की जगह कितना रखेंगे, इस एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक बटे पांच, ये एक बटे पांच रख दिया, फिर एक बटे पांच रख दिया, एक जीरो तो लाना है, एक बटे पांच कितनी बार है भैया, छह कम पांच से पांच खत्म, पांच से पांच खत्म हो गया, क्या रह गया, एक बटे पांच, छह बटे पांच और एक, एक है ना, ये एक को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉमन सेंस, एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक को मैं लिख सकता हूं पांच बटे पांच, एक को मैं पांच बटे पांच लिख सकता हूं कि नहीं, पहले तो सोचो कि यहां से लिख सकते हैं, पांच बटे पांच, पांच एकम पांच, कॉमन सेंस है ना। अब ये पांच 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 तो लघुतम आ गया आपका पांच, ऊपर एक, ऊपर छह, ऊपर पांच, तो पांच और एक धन धन के जुड़ जाएंगे, धन धन के, धन का पांच धन का एक, धन का पांच धन का एक, तो कितना हो गए, धन के छह, और ये क्या है, ऋण के, वो नीचे कितना है, छह में से छह गए तो क्या बचे, जीरो, वो जीरो बटे पांच, जीरो बटे पांच कितना होता है, जीरो बटे पांच का मान कितना होता है, जीरो बटे पांच, अगर कोई लिख दे इसका मतलब क्या हुआ, जीरो बटे पांच, जीरो बटे एक, जीरो बटे दो, जीरो बटे हजार, जीरो बटे लाख, जीरो के बटे कुछ भी लिखो, जीरो सब हो जाता है जीरो, इसलिए जीरो से हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। चलो तो ये उत्तर की जांच हो गई, ये भी सही है, इससे भी हमारा एक बटे पांच, जो एक बटे पांच था उसने समीकरण को क्या करा, संतुष्ट करा, समीकरण में मान रखा तो जीरो आ गया, यानी कि एक बटे पांच भी दी गई समीकरण का हल है। चलो तो वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे मूल ज्ञात करते हैं, मालूम पड़ गया सबको पक्का,